अगर वो घरां दे अंदर राज कर देता जाए, पूरी रूए जमीन ते घरां दे घर सुधर जाणगे, मुआशरे दी सलाह हो जाएगी अल्लाह दे फजल नाल, कदी घर नहीं टुटणगे अल्लाह दी तौफीक दे नाल। ओ उनवान है एक इस्लाम दी अजीम खातून सय्यदा खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा दी पाकीजा, हाँ जी मुनज़्ज़ा मुकर्रमा और जनाब पाकीजा मुतहरा, हाँ जी ए उन्हां दी सीरत बयान होएगी अल्लाह दे फजल दे नाल इंशाअल्लाह। टू दी पॉइंट बात होएगी, गल इधर उधर एक मिनट वास्ते भी नहीं जानी, तवज्जो फरमाना जरा। मेरे और तुहाडे प्यारे महबूब पैगंबर हजरत मुहम्मद, नाल कह दो भी सारे कह दो मिलके सल्लल्लाहु माशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे तेरे प्यारे महबूब पैगंबर हजरत मुहम्मद, दिल ठर जाए कलेजे ठंड पै जाए, जनाब दी तरफों दरूदा दी छंड पै जाएगी, अल्लाह मुंह विच खंड पा देगा। सुभान अल्लाह जी। मेरे प्यारे वीर इधर तवज्जो ते फरमा दिया चला जाना, मेरे तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान, यानी बारे बारे जाइए मेरे नबी दी जबान मुबारक चो जेड़े जुमले निकले ने कितने प्यारे, सही बुखारी शरीफ दी हदीस है, यानी 3432 नंबर हदीस मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाहु अकबर। और अन अली رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر نسائها مریم ابنت عمران وخیر نسائها خدیجہ۔ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए रवायत दा रावी कौन है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला, अली रब दे वली, अली जन्नती, अली शेरे जली, अली अल्लाह दे नबी फरमाया मेरे बाद हर मोमिन दा वली अली रजी अल्लाह ताला। जी जी आप फरमा देने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरु निसाइहा मरियम बिनत इमरान, बेहतरीन औरतां जो अपने जमाने दे एतबार नाल, जमाने दियां बेहतरीन औरतां जो मरियम एक बेहतरीन खातून सी, हजरत ईसा दी वालिदा और इमरान अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी हजरत इमरान अलैहिस्सलाम दी ज़ौजा मोहतरमा, सुबहान अल्लाह अल्लाहु अकबर, ते मरियम मरियम दी अम्मी इमरान दी ज़ौजा मोहतरमा, ओ भी ते जनाब अल्लाहु अकबर बड़ी ही अजीम अजीम औरत सी ना, ते उन्हां दी बेटी हजरत इमरान अलैहिस्सलाम दी बेटी मरियम, अल्लाहु अकबर। जी जी मरियम नू अल्लाह कला कला तबारक व ताला ने जनाब वेखो, हाँ जी हजरत ईसा दा फरमाए, हजरत ईसा बगैर बाप दे अल्लाह ने पैदा फरमाए, हजरत ईसा दा नाम आएगा हजरत ईसा बिन मरियम आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अंदाजा लगाओ तवज्जो फरमाना दरा। जी जी मेरे प्यारे वीर, अल्लाह करीम ने उस औरत नू बड़ा ही अजीब बनाया, मरियम दी शान अपने जमाने दियां औरतां जो बड़ी आला, और मेरे नबी दा जमाना आया अपने जमाने दियां औरतां जो खैरु निसाइगा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, बेहतरीन औरत सैयदा खदीजा। मुख्तसर बात इसे तरह ही होएगी, सैयदा खदीजा दो मरतबा बेवा होइया, तवज्जो नाल बात सुनने वाली है, दो मरतबा बेवा होइया, यानी शोहर पहला भी फौत हो गया, दूसरा भी फौत हो चुका है, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बनने वाली बीवी सैयदा खदीजा, है जी मशहूर ताजरा,
ایسرائے عرب ملیکہ تل عرب اور جناب سیدہ خدیجہ طاہرہ مشہور سن میرے نبی اعلان نبوت تو پہلے بھی امین صادق اور امین اللہ کریم نے اس جوڑی نو ایویں پوری دنیا تے مشہور کروا چھڑیا امین اور طاہرہ اس واسطے تاکہ امانت اور دیانت دا انجی انہ دی امانت تے تعارض دا چرچا زبان زبان تے جاری کروا چھڑیا کیوں اس واسطے کہ اس گھر دے اندر نبوت آنے والی تھی نبوت آنے والی سے اس گھر اندر اللہ کریم نے ایسا پاکیزہ گھرانہ او دا انتخاب فرمایا اس گھر دے اندر اہل بیت جڑی اس گھر والی او بھی خدیجہ جیسی خاتون نو اللہ کریم نے منتخب فرمایا اور جس دے نبوت نادر ہونی سی او امین صادق اور امین نبیاں دے امام آمنا دلال حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا انتخاب فرمایا جی جی میرے پیارے ویر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی غریب غربت گھرانے دے اندر بڑی زیادہ آئے اس بات دا توانو علم ہے ابو طالب نے میرے نبی دی پرورش کی تھی ہے ٹھیک ہے نا ہاں جی اور غربت بڑی زیادہ آئے ادھر جناب ابو طالب آگ دینے بیٹے ہن جوان ہو رہے ہو جوان ہو چکے ہو اس واسطے کوئی کاروبار کرنا چاہی دائے یعنی تجارت دی پیش کش کی تیئے ابو طالب نے آکیا کہ جناب خدیجہ بڑی مالدار خاتونیں ہیں جی اونا نال رابطہ کی تاجا سگدائے میرے نبی عرض گردن چچا اگر میں نو خود طلب کرن خود میں نو پیغام بھیجن تے میں حاضران تے میرے نبی دی پھپھی حضرت عاتقہ اونا نے جا کے سیدہ خدیجہ نال بات کی تیئے ابو طالب دی ہمشیرہ جی جی میرے نبی دی پھپھی جان حضرت عاتقہ نے جا کے سیدہ خدیجہ نال گل کی تیئے سیدہ خدیجہ رضا مند ہو گئیاں نے نالے ایوی بات آکھی اگر امانت دیانت دل آد نال تیرا بھتیجہ کامیاب لوٹ دائے دوسرے نالو مزدوری زیادہ دیانگی اور نالے نے اپنے مشہور تے خاص غلام بڑا دانا تے بڑا سمجھدار میسرہ غلام یعنی میسرہ نو نال دیتا ہے اور نال تنبیہ کیتی ہے کہ انہ نو رستے اندر کوئی کسے قسم دی تکلیف نہ ہوئے الغرض میرے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی تشریف لے گئے سبحان اللہ دیکھو کتنے وقار نال میرے نبی نو اللہ نے اس کام سے ملایا جی 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 میرے نبی تشریف لے گئے سیدہ خدیجہ نے پردے اندر ہو کر کے ضروری اشیاء دے بارے اندر مطلع فرمایا یعنی چیزان دی ڈیٹیل دسیئے کہ اے مال اس طرح فروخت کرو گے انج فروخت کرو گے مال انج دائج کپیسٹی دائے یعنی ساری دی ساری کچھ وضاحت فرما چھڑیئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو مہار پکڑی اونٹا دی کتار دی اونٹا دی مہار پکڑیے ادھرو سارے دا سارا جنا پورے دا پورا مکہ شہر اور جنا میرے نبی دے عزیز و اقارب جمع ہو گئنے جدو مہار میرے نبی لے مہار پکڑیے ادھرو جناب اللہ اکبر اللہ 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 عاتقہ نے ویکھیا تے بے اختیار رون لگ گئیاں رو دیاں ہچکی بند گئیے اونا دیاں سوزن جڑے تھمنے دا رکنے دا نا نیلے ریسن بے اختیار بول پیاں کہہ دیاں نے اے عبداللہ خاک لحد وچو اپنے
सर नू निकालो अपने बेटे दी बेबसी दा आलम ते वेखो ना जी जी अपने बेटे दे बेटे दी यतीमी नू वेखो ना ए अब्दुल मुत्तलिब अपने मदफन चो बाहर आओ वेखो जिन्ना नू तुसी बड़े नाज नाल पालिया सी ओदे उन्ना दा वेखो ते सही हाल एक गुलाम दी तरह किवें ऊंटां दी मुहार नू पकड़े हुए है सफर वास्ते तैयार है ऐ आमना अपने लखते जिगर दा हाल ते वेख ओदी गुरबत दा आलम ते वेख लो अबू तालब दियां अखां आंसू आंसुआं नाल भिजियां होईयां पुरनम अखां ने बार बार कदी आप दे चेहरा अनवर वल वेखदे ने कदी अपने आंसुआं नू पूंज रहे ने ते अबू तालब रिक्कत अमेज मंजरे भीगी हुई अखां दे नाल अबू तालब उठे अगे वधे ते अपने भतीजे दी पिशानी ते बोसा दिता है और नाल ही जनाब अखां चो आंसू चल गए नाल सलारे काफरां नू आखदे ने इस यतीम दा ख्याल रखना है इस यतीम दा ख्याल रखना है अबू तालब नू कौन दसे अबू तालब तेरा भतीजा मुहम्मद दा जा केला नहीं है तेरे भतीजे सोने मुहम्मद नाल ओदा रब अल्लाह अकबर जी जी मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे तेरे प्यारे महबूब पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इस रवानगी दे मंदर नू किसे ने क्या खूब आखे है जनाब अल्लाह अकबर किसे शायर ने कमाला ही कर दितियां वो ऊंटों को मक्का से ले जाने वाला प्यादा दरे शहर तक आने वाला हुआ गल्लाबान अपनी उम्मत का आखिर हुआ गल्लाबान अपनी उम्मत का आखिर मिली खिदमत उसको शफात की आखिर वो गुर्बत में रहकर बसर करने वाला वो बेमा बेबाप माँ के गुजर करने वाला वो हर शख्स के दिल में घर करने वाला जी खयानत से बिल्कुल हजर करने वाला हजर दा मतलब है बचने वाला खयामत से दूर रहने वाला वो हर शख्स के दिल में घर करने वाला वो खयानत से बिल्कुल हजर करने वाला अमीन और अमानत अर्शी का हामिल अमीन और अमानत अर्शी का हामिल मेरे नबी मतीन और हिफ्ज़े शराफत में कामिल मुहार ऊंटों की हाथ में अपने लेकर जानबे चला जानबे शाम महबूब दावर फरिश्तों ने की अर्ज ए रब्बे अकबर ये किस हाल में है जनाबे पैगंबर हुआ हुक्म ये गुर है पैगंबरी का ये जो हुआ हुक्म ये गुर है पैगंबरी का ये आगाज है शेवाए रहबरी का मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लो मैसरा गुलाम ने मुहार पकड़ ली मेरे नबी नु ऊंट ते सवार करा छड़िया हजरत सवार हो गए मैसरा ने मुहार पकड़ लिए काफला सुए शाम रवा दवा गए मिस्र दे अंदर एक इलाके दे अंदर काफिले ने पड़ाव डालिया एक दरख्त दे नीचे जाके रुके बस काफला रुके आए इधरों एक कुटिया जो राहिब निकलिया दौड़िया दौड़िया आया उते हाथ अंदर किताब कदी किताब वल वेखदा है कदी बार बार आका दे चेहरे वल वेखदा है जिसले उन्हें पूरा जायजा ले लिया
ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੁ ਜ਼ਮਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪੜਾਉ ਡਾਲੇਗਾ ਕਿਆਮ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਨਬੀ ਆਖਰੁ ਜ਼ਮਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਓ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਹਸਤੀ ਆਖਰੁ ਜ਼ਮਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਨਬੀ ਆਖਰੁ ਜ਼ਮਾਨ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਏ ਇਹ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਅਗਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਗੋ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜੇ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਆਜੇ ਮਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁੱਦਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਝੋਂਪੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਜਗਾਏ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਛੱਡਿਆ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਇਕ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਰਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਐਲੇ ਕਾਫਲਾ ਬੜੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਲਾਇਕ ਹੋਇਆ ਕਿਧਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਇਸੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਫਰੋਖਤ ਹੋਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਸਰ ਦਾ ਹੁਸਨ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਸਨ ਵਾਲੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਮਾਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਮਗਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਾਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੱਥੋ ਹੱਥ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਦ ਲੰਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਦਿਆਨਤ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੈਯਦਾ ਖਦੀਜਾ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਖਲਾਇਆ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸਈਬਾ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕਰਾ ਤੇ ਕੁਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਤਲਕਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਖਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਬਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਬਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਬਾਤ ਪੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਗਾਮ ਖਿਲਾਣਾ ਕੁਵਾਰੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਗਾਮ ਖਿਲਾ ਸਕਦੀ ਅਲਬੱਤਾ ਵਾਲਿਦੈਨ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰ ਲੈਣ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਔਰਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਬੋਲ ਪਵੇ ਅਗਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਕੁਵਾਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਮਸਲੇ ਇਹਦਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਲੀਲੋ ਰਸਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਦੀ ਮਿਲੀ ਅਕਸਰ 95% ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ 95% ਤਲਾਕਾਂ ਤੱਕ ਨੋਬਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਾਓ ਰੇਸ਼ੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਜਨਾਬ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖਲਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਖਲਾਇਆ
मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा निकाह होया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उजलाए रूसी दे अंदर दाखिल होए। मेरे नबी सब तो पहली बात कर देने, आप फरमा देने खदीजा शायद मेरा तेरा निभा ना हो सके। हजरत खदीजा ये गल सुन के कहदियां ने सुनिया इंज किवें आ गयो, मैं ते तुहानू रब कोल मंग मंग करके ले आए, इंज किवें फरमा गए हो। मेरे नबी फरमा देने खदीजा तू ऐसरा या रबे मलीका तोला रबे, तेरे कोल करोड़ो दिरहम दिनारां दा माल है, मैं ना मेरे कोल माल होवे, मैं शाम ला पवण देवा गरीबा मिसकीना मोहताजा नू वंड देवा। मेरा दिल करे मैं खर्च कर लगा, तेरा दिल ना करे मेरी तेरी अणबण हो जाएगी, निभा नहीं हो सकेगा। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज कर दिया ने मैं कुर्बान जावा महबूबा तुहाडे सोने ना तो, मैं ते इस घर दी दलीज अंदर फेरी बाद च रखिया सी, पहले अपने अल्लाह नाल वादा कर लिया सी, अल्लाह ये माल माल मेरा नहीं है, माल तेरे मुहम्मद दा है, जिते चावन खर्च करन मैनू कोई इतराज नहीं होएगा। जी जी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्रे मईशत तो आजाद हो करके मेरे नबी कौम दे गम दे अंदर मुतफक्किर रहने लग गए, मुतफक्किर फिक्रमंद रहने लग गए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहने लग गए, अल्लाह ए जड़ी कौम शिरक दे घड़ा टोप अंधेरिया दे अंदर गर्क होंदी जा रही है, की बनेगा इस कौम दा। मेरे नबी गोशा नशीनी अख्तियार करन लग गए, मेरे नबी जांदियां खोया गारे खिरा नू जांदियां खोया। सैयदा खदीजा नू फरमा दे खदीजा मेरा सामान को सत्तू वगैरह तैयार कर दियो। खदीजा ए नहीं पुछदियां सन सोनिया किथे चले हो की करना है, ना ना इधर हुक्म हुआ इधर हुक्म की तामील हो जाया करती थी। एक पासे हुक्म सुभान अल्लाह, एगो जिया बीविया बहुत बड़े किसे कामयाब बंदे दे पिछे किसे कामयाब औरत दा हाथ होया करदा है। अल्लाह ने ऐसी औरत दा इंतखाब फरमाया, मेरे नबी नू अल्लाह ने कामयाबियां दे मनादा काम कामयाबियां दिया मंजिलां अता फरमाइया, उन्होंने मेरे नबी ने सर फरमाया है। मेरे नबी फरमा दे खदीजा तैयारी कर दे मेरा सामान कोई दे यार कर दे। खदीजा सत्तू नाल बन दे दियां, खजूरा थैली च पा के थमा दे दियां, चने बुन करके नाल दे दे दियां, इवें मशकी दे अंदर पानी भर करके दे दे दियां। अल्लाह दे नबी कई कई रोज तक गारे खेरा अंदर अल्लाह दी इबादत अंदर मशगूल और मसरूफ रहने लग गए। मेरे नबी दी उम्र मुबारक 40 साल हुई है, अल्लाह दी रहमत जोश अंदर आई, अल्लाह दी रहमत। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी 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 रब्बे जलील जा जल्दी नाल जा 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 जिब्रील, मेरे नबी दे हैं जी जड़ा गारा में कौम दे गम अंदर रोंदा पिया है, जा जा के खत्मे नबुवत दा ताज पहना दे। हजरत जिब्रील आए आके कहने इकरा सोनियो पढ़ो, अल्लाह दे नबी फरमा दे मा अना बिकारी, मैं किसी इंसान को पढ़िया होया नहीं। ए जे तर्जमा मा अना बिकारी, ए नहीं तर्जमा पढ़ेगा मैं पढ़िया होया नहीं, नहीं नहीं नहीं, मा अना बिकारी, मेरे नबी फरमा रहे ने मैं किसी इंसान को पढ़िया होया नहीं। हजरत जिब्रील मेरे नबी नू सीने ना लगाया ते घुटिया इवे जनाब सीने नाल ला के घुटदे ने दबोचदे ने। अल्लाह दे नबी फरमा दे रे बुखारी शरीफ दी हदीस है, हत्ता बलग मिनिल जहदा, घुटिया ते चंगी तरह घुटिया। मेरे नबी नूं दूसरी मरतबा भी पढ़ने दा आखिया जिबरील ने घुटिया, तीसरी मरतबा भी मेरे नबी ने कोई जवाब दिता है मां ना बिकारी। जदों जिब्रील ने छड़िया ते मेरे नबी ने ऐटोमैटिक ही आज खुद पढ़ना शुरू फरमाया।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਬਰੀਲ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਣਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਆਖਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪੜਿਆ? ਕਿਹੋ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਬਰੀਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੜਿਆ? ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੀ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਦਜਾਲ ਤੇ ਮੁਰਤਾ ਦੇ ਨਾ ਆਖਦਾ ਫਿਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੜਾਇਆ ਪੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਬੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਪੜਾਏ ਪੜ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਬੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੜਾਇਆ ਪੜਿਆ ਏ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੜ ਲਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਲਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਬਰੀਲ ਪੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਪੜਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਮਾਲ। ਜੀ ਜੀ ਇਧਰ ਵੇਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਕਰਾ ਬਿਸਮਿ ਰੱਬਿਕਲ ਲਜ਼ੀ ਖਲਕ ਖਲਕਲ ਇਨਸਾਨ ਮਿਨ ਅਲਕ ਇਕਰਾ ਵਰੱਬੁਕਲ ਅਕਰਮ ਅਲਜ਼ੀ ਅਲਮ ਬਿਲ ਕਲਮ ਅਲਮ ਅਲ ਇਨਸਾਨ ਮਾ ਲਮ ਯਅਲਮ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਹਿਲੀ ਵਹੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਘਬਰਾਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕਰਾ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟਦਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਘਬਰਾਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਆਲਮ ਉਲ ਗੈਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੋਲ ਜ਼ਰਾ, ਕੌਣ? ਅੱਲਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖੋਏ ਘਬਰਾਏ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਦੀਜਾ ਜ਼ਮਿਲੂਨੀ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੀ ਰੂਲੀ ਖਦੀਜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਬਲ ਪਵਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਓੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਈ। ਖਸ਼ੀ ਤੂ ਅਲਾ ਨਫਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਯਦਾ ਖਦੀਜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੇ ਚਾਦਰ ਓੜਾਏ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਦਲਾਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਕਾ ਲਤਸਿਲੁਰ ਰਹਿਮਾ ਵਾ ਤਹਮਿਲੁਲ ਕੱਲਾ ਵਾ ਤਕਸਿਬੁਲ ਮਦੂਮ ਵਾ ਤਕਰੀਉ ਜ਼ਈਫ ਵਾ ਤੁਇਲੁ ਅਲਾ ਨਵਾਇਬਿਲ ਹੱਕ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਆਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀਆਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਸਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤ ਸ਼ਫਕਤ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੇ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਫਰਮਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਵਤੂਈਨ ਵਾਲਾ ਨਵਾਈ ਬਿਲ ਹੱਕ, ਸੋਹਣਿਆ ਹੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ, ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਜੇ? ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਜਾਜ਼ ਏ, ਬੰਦਾ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਕੀ ਏ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਝੂਠੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਐਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਏਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਏਡਾ ਹਨੇਰ, ਤਾਈਆਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਏ। ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਫਾਦ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਿੰਗੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਵੀ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਤਲਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗਾ, ਵਰਨਾ ਆਵੇ ਦਾ ਆਪਾ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ। ਸਦਾ ਭੁਗਤੋ ਫਿਰ ਸਦਾ, ਇਹਦੇ ਸਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾ ਸੱਲਮ ਨੂੰ ਆਖਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਇਹ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੁਖਾਰੀ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਇੰਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਬੱਲਾ ਹੀ ਮਾ ਯੁਖਜ਼ੀ ਕੱਲਾ ਹੋ ਆਬਾਦਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਬੁਖਾਰੀ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਏ। ਅਲਫਾਜ਼ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਬੱਲਾ ਹੀ ਮਾ ਯੁਖਜ਼ੀ ਕੱਲਾ ਹੋ ਆਬਾਦਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਦੀਜਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕਸਮਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਵੱਲਾ
कल्ला वल्लाही मा युखजी कल्लाहु अबादा। सोनिया मैं कसमा चुके आखनी हाँ, एगो जे बंदियां नूं अल्लाह हरगिज हरगिज आया नहीं फरमाया कर दे, हर के जाया नहीं फरमाया कर दे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने पाक पैगंबर तवज्जो फरमा दिया चला जाना, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू तसल्लियां दे दितियां गईयां, मेरे नबी दे हौसले बढ़ा दिते गए, चादर उड़ा दी गई। याद रखो फैसलाबादी हो अल हरमैन इस्लामिक सेंटर अंदर तशरीफ लाने वालों, मेरे प्यारे वीरो ते भाईओ रूहानी माओ बहनों, कदी गौर कीता जे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह ने बीवी जो इंज दी अता फरमाई है, बंदे नू गम खार बीवी मिल जाए, तसल्लियां देन वाली, हौसले बढ़ान वाली, दलासे देन वाली, लाडियां लडान वाली, बंदे दी जिंदगी दे अंदर अगर बड़े बड़े मुश्किल वक्त भी आंदे ने, बंदा थका मांदिया लड़िया बोलिया बाहरों आया होवे, नींदरां भी ते गूड़ियां आ जाया कर दियां ने। सैयदा खदीजा ने मेरे नबी हौसले दे दिते, तसलियां दे दितियां, मेरे नबी दे हौसले बढ़ा दिते गए, प्यारे नबी नू लाडियां लड़ा दितियां गईयां। अल्लाह दे नबी भी लंबी ते गहरी नींद सो गए, अल्लाह दे नबी सुते हुए ने। इधरों अर्श वाले ने फरमाया या अय्युहल मुद्दसिर قم فأنذر وربك فكبر। ये चादर ओढ़ करके सोने वाले पैगंबर उठ खड़े हो, लोगों को जहन्नम की आग से डराइए, وربك فكبر अल्लाह की किबरियाई बयान फरमाइए। मेरे नबी हुक्म सुन करके उठे, हजूर सारी जिंदगी उठे ही रह गए, इलाए कलमतुल्ला दी खातर मेरे नबी कमर बस्ता हो गए। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह दे दीन दी तबलीग शुरू फरमाई है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सौजाए मोहतरमा सय्यदा खदीजा तुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा दुनिया तो तशरीफ ले जा चुकी सां। इधरों एक औरत आई, मेरे नबी ने इतनी ज्यादा उदी इज्जत फरमाई है, इतनी तकरीम की थी सय्यदा ऐशा अर्ज कर दिया ने सोनिया, ये औरत किस्मत वाली खुश किस्मत औरत कौन है जदी नबिया दे इमाम इतनी इज्जत कर रहे ने। अल्लाह दे नबी रो पे, आका फरमांदे ने ऐशा तू नहीं जानती, और एते हसाना है खदीजा दी सहेली, इनू खदीजा नाल बड़ा ही प्यार सी। मेरे नबी रो पे, अल्लाह दे नबी कितनी देर आखदे रहे खदीजा खदीजा ही सी, खदीजा खदीजा ही सी। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा इन्हां नूं मेरे नबी इतना याद फरमांदे, कुरबानी दा गोश्त जदों तैयार हो जांदा अल्लाह दे नबी फरमांदे जाओ सब तो पहले खदीजा दिया सहेलियां दे घर पहुंचा करके आओ, जाओ खदीजा दिया सहेलियां नू दे करके आओ। अल्लाह दे नबी हमेशा हर सांस अंदर इतनी अजीम गमखार बीवी नू भुला ना सके। मेरे नबी याद रखते सन हर आन हर मौके ते। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल इन्हां दी साली मोहतरमा, मेरे नबी दी साली मोहतरमा हजरत हाला बिनते खवैलद मिलन वास्ते आईया। सैयदा खदीजा ते अल्लाह कोल जा चुकी सन ना, आके दरवाजे ते खड़े होके कहंदियां अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, घराने वाले सलाम होए। मेरे नबी आवाज पहचान गए, हाला दी आवाज अपनी सगी बहन सैयदा खदीजा दे नाल सेम टू सेम मिलती जुलती सी ना।
मेरे नबी फरमा देने ते हाला है। अल्लाह दे नबी आप दीदा हो गए, आप फरमाते हाला है। अल्लाह दे नबी जी हाला है ते फिर की है। अल्लाह दे नबी हुई ते अल्लाह नाल कोई गर्द नहीं सी, बहन दा दर्जा सी ना। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान लगे, खदीजा खदीजा इसी, खदीजा खदीजा इसी। हजरत दी आंखां चो आंसू चल पे, आप फरमा रहे ने खदीजा खदीजा इसी। हजरत आयशा फरमा दिया ने, मैनू ते इलम सी खदीजा दा जिक्र छिड़ जांदा, अल्लाह दे नबी खत्म करन ते ना आंदे, बंद करन ते ना आंदे। मेरे नबी आखी जा रहे हैं, हजरत आयशा फरमा दी ने, मैं पक्कियां जिया हो करके हारस बधाने वास्ते, अल्लाह दे नबी दा हौसला बढ़ाने वास्ते मैं आखिया, सोने कई हर वेले खदीजा खदीजा लाई हुंदी है। खदीजा बूढ़ी औरत सी, दुनिया तो चली गई, उन्हना तो बाद अल्लाह ने तुहानू वध तो वध बीवियां दा फरमा छड़िया। बस मेरे नबी इतनी बात सुन के रो पे, अल्लाह दे नबी दीच की बदी होई। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आवाज बुलंद हो गई, कितनी देर मेरे नबी रोंदे रह गए, कितनी देर खदीजा खदीजा इसी, खदीजा खदीजा इसी। मेरे नबी कितनी देर खदीजा दा नाम ले ले करके रोंदे रहे। इसके बाद मेरे नबी खामोश हो गए, काफी देर चुप रहने के बाद मेरे नबी बोले, आप फरमाते ने खदीजा तो वध ते अल्लाह ने पूरी दुनिया दे अंदर कोई औरत पैदा ही नहीं फरमाई। फिर मेरे नबी रो पे, हजरत आयशा फरमा दियां, इंज दा मंजर ते मैं पूरी जिंदगी नहीं वेखिया। अल्लाह दे नबी दी आवाज बुलंद हो गई, चेहरा सुरख हो गया, आंखां सुरख हो गईयां रो रो करके। मेरे नबी हिचकियां बंद बंद करके, डुस्कियां भर भर के रो रहे ने, बिलक बिलक के मेरे नबी रोन लग गए। हजरत आयशा फरमा दियां ने, हुण ते सौकण वाली बात रही नहीं, हुण ते रशक आ गया। मेरी अम्मी अखा चो आंसू चल पे, अम्मी आयशा रो के कहदियां ने, सोनिया आखिर असी भी ते औरतां, खदीजा विचों केड़ियां खसूसियतां सन जड़ियां साडे विच नहीं ने। मेरे नबी रो के फरमांदे ने, आयशा तू नहीं जानदी, खदीजा जदन मेरे घर अंदर आई, ओदी इतनी दौलत, इतनी अमीर तरीन औरत सी, बिला मुबालगा ओदे खेमियां दियां तना सोने दे किला नाल बनिया जांदियां सन, मगर खदीजा ने मेरे घर आके पाई पाई अल्लाह दे नाए वक्त ते कुर्बान कर छड़ी। ऐसा मैं ओ भी दिल वेखे, मेरी नाजो ने मंदर पली हुई खदीजा, शेबी अभी तालब दी घाटी अंदर पत्ते खा के गा का के गुठलियां मुंह च रख के चूस के अल्लाह दे शुक्रिया अदा कीते। खदीजा नू मैं देखिया, खदीजा जंगली बेर मुंह च रख के जड़ी बूटियां छवा के अल्हम्दुलिल्लाह कहदियां पईयां ने। खदीजा लोग मेरियां तकजीबां करदे सन, खदीजा मेरियां तस्दीकां फरमा रही सी, लोग मैनू पत्थर मारदे सन, खदीजा मेरे जख्मां ते फाए रखदी सी। खदीजा दे माल ने मैनू बड़ा नफा दिता, खदीजा खदीजा। मेरे नबी फरमांदे ने, खदीजा खदीजा ओ मेरी अजीम बीवी है, जिदे चो अल्लाह ने औलाद वाली नेमत मैनू अता फरमाई। मेरे नबी कितनी देर रोंदे रहे, खदीजा खदीजा ही फरमा दे रहे। एक बेरी गजवाए बदर दे कैदियां वास्ते असूल पास होया, आपस अंदर मशवरे च बात पास हो गई, फाइनल हो गई कि बदर दे कैदियां नू रहा कर दिता जाए, फिदिया लेके आ रहे ने। अब अलास बिन रबी, मेरे नबी दी बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब दे घर वाले, हाला बिन ते खवैलत दा बेटा, हाला दा बेटा अबुलास बिन रबी, ठीक है ना। अल्लाह अकबर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दामाद सी, दामाद बनिया अबू जाल दे उभारन नाल ना, वह भी आ गया नार रल के, कुफारे मक्का बदर दे मैदान च लड़ते ज्यादा ना सकया, गिरफ्तार हो गया जी। ओदे जनाब जदों फिदिये दी रकम पूरी जो नहीं हो रही, ओदी बारी आई, हजरत ज़ैनब नूं पता चलिया
कि मेरे शौहर दी फितिये दी रकम पूरी नहीं हो रही। उन्हें अपना हार जेड़ा सय्यदा खदीजा ने अपनी बेटी नूं गिफ्ट अता फरमाया सी गोल्ड दा हार ओ जनाब फितिये दी रकम पूरी करन वास्ते मेरे नबी दी खिदमत अंदर खलाया। जदों हार सामने आया मेरे नबी भी हिम्मत हार गए। अल्लाह दे नबी ने इंज हार नूं वेखदे आई हजूर दे आंसू निकल आए। साहबा वेखदे ने अल्लाह दे नबी पता नहीं क्यों रो पै ने हार नूं वेखदे आई रो पै। साहबा भी मेरे नबी नूं रोंदियां वेखदे ने ते नाल ही रोण लग जांदे ने। यार ऐसे दुनिया ते इंसान पैदा ही नहीं होए जेड़े मेरे नबी नाल इतनी मुहब्बत करदे ने हजूर नूं मुस्करांदियां वेखदे ने नाल ही मुस्करान लग जांदे ने। हजरत नूं रोंदियां वेखदे ने ते नाल ही रोण लग जांदे ने। हजरत ने रोंदियां रोंदियां आंसुआं दे नाल फरमाया साहबियो अगर मैनूं इजाजत देवो ते मैं अपनी धी ज़ैनब नूं ओहदी अम्मी खदीजा दी निशानी मोड़ देवां। मेरे नबी दे साहबा पहले ही रो रहे सन। अर्ज करते ने सोनिया मर्जियां तुहाड़ियां ने जिवें चाहो करो सानू कोई इतराज नहीं। आपने फरमाया नाना मर्जी दी बात उस वेले हुंदी है जदों मशवरे च बात तय ना होवे। मशवरा हो गया ते हुण मैं मुहम्मद अपनी मर्जी नहीं कर सकदा मर्जी करनी है। अल्लाह माफ करे किधर गल जांदी पई है। मर्जी करनी है ते साडे लोगां ने बड़े बड़े मुनसिफ लोग मर्जियां दे कानून मर्जियां दी तशरिया मर्जियां दा मामला करी जांदे रे। गरीबां नूं मारी मारे ते बड़े लोगां दे नाल जिधरों पैसा मिल जावे ते प्यारी प्यारे। अजीब तमाशा यार मैनूं समझ नहीं आंदी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा अर्ज़ करदे ने सोहणिया बा खुशी ते रिज़ा सी आग्रहिया सोहणिया हांजी हार वापस फरमा दिओ। मेरे नबी ने रोंदिया रोंदिया हार वापस फरमाया। कितनी देर सहाबा फरमांदे ने हजूर फरमांदे ने खदीजा खदीजा ही सी खदीजा खदीजा ही सी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि लंदीस खदीजा मेरे नबी दी पाक बाज बीवी गमखार बीवी सैयदा खदीजा। इवें किचन तो खाना लेके नबी दी खिदमत अंदर पेश करने वास्ते निकलियां कितना बड़ा घर होएगा नाल ही ते किचन ने दो कदम दी बात होएगी ना। निकलियां ने ते अल्लाह ने वेख्या अल्लाह नु बड़िया पसंद आईया खदीजा मेरे नबी दी खिदमत अंदर रवा दवाए चल फिर दिए। मेरे नबी ने अल्लाह करीम ने फरमाया जिब्रील जी जी रब्बे जलील खदीजा दे नबी कोल पहुंचन पहुंचन तो पहले तू पहले पहुंच जा 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 के आग सोनिया ए खदीजा गुणे गुणे तुहाडे कोल आ रही ने। ओदे अंदर कोई खाण पीण दा समान होएगा बर्तन होणगे कोई खाना होएगा कोई पानी होएगा। पईजा तत का जदो खदीजा तुहाडे कोलावे फकरा अलैह सलाम मिन रब्बिहा व मिन्नी व बशर बेबैत फिल जन्ना। खदीजा जदो तुहाडे कोल आवे खदीजा ते खदीजा दे रब दा सलाम आख देना। इंज नहीं आख्या मुहम्मद दे रब दा सुनिया तुसी अपने रब दा सलाम कह दिया जे ना ना फकरा अलैह सलाम मिर रब्बी हा दी जमीर मुअन्नस दी है खदीजा ते खदीजा दे रब दा सलाम आख देना। जिब्रील कह रहे वा मिली और मेरी तरफों भी सलाम कह देना व बशर बैतिल फिल जन्ना। जन्नत दे बागात ते महलां दी बशारत दे देना सीरत सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा।